जय हिंद, स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हरियाणा की ओर से वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया। यहाँ पर जो वैकेंसीज आपको मिलेगी, 6000 वैकेंसीज टोटल यहाँ पे रखी गई है और जिसमें कि काफ़ी वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए आपको देखने को मिलेगी। तो विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। 12 फरवरी 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कि आप ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए। 20 फरवरी 2024 से लेकर 21 मार्च 2024 तक कोई भी फीस यहाँ पे नहीं रखी गई है, यानी कि फीस नील रखी गई है। हरियाणा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उसके माध्यम से आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 6000 टोटल वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, जिसमें बात करें यहाँ पे मेल वैकेंसीज 5000 हैं, जिसमें कि ESM जनरल के लिए 350, ESM SC के लिए 100 वैकेंसीज, BCA के लिए यहाँ पे 100 है और ESM BCB के लिए 150 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। उसी तरह से 1000 जो वैकेंसीज फीमेल के लिए हैं, जिसमें कि ESM जनरल के लिए 70, ESM SC के लिए 20, ESM BC के लिए 20 और ESM BCB के लिए 30 वैकेंसीज रखी गई है। एज जो यहाँ पर मेंशन की गई है, 18 से 25 साल पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार। पे सैलरी जो यहाँ पे दी जाएगी 21,700 रुपये से शुरू होगी, जो कि लेवल 3 की तनख्वाह दी जाएगी। एक्सेसमैन के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि द ब्रेक इन सर्विस बिटवीन द डेट ऑफ डिस्चार्ज एंड बिटवीन द फर्स्ट डे ऑफ मंथ, यानी कि जब से आप रिटायर हुए हैं और फर्स्ट मंथ ऑफ मने 1 फरवरी 2024 तक आपकी जो गैप है, जो यहाँ पर जो है 4 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हवाला दिया गया है जो कि रूल्स 12.24 (1)(c) पंजाब पुलिस रूल 1934 के अंतर्गत है। इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लें जो भी अप्लाई करना चाहते हैं। सिलेक्शन जो यहाँ पे प्रोसेस होगा, जिसमें कि सबसे पहले आपको CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंप्लीट किया होना चाहिए, उसके बाद होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी कि PMT, उसके बाद होगा यहाँ पे फिजिकल स्क्रीन टेस्ट, जिसमें मेल के लिए 2.5 किलोमीटर रन होगा 12 मिनट में, लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर का रन होगा, जो कि आपको 5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। उसके बाद जो रिटर्न टेस्ट होगा, जो कि यहाँ पर OMR बेस पे होगा, और जिसमें 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, जो कि हिंदी और इंग्लिश में होंगे। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रखी गई है, और पांच आपको एक क्वेश्चन के लिए 5 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक सिलेक्शन करना होगा। बाकी और भी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, तो जो आप अप्लाई करना चाहते हैं एक बार आप ज़रूर इसको पढ़ लें। एक्सेसमैन के लिए यहाँ पर बताया गया है कि यदि आपने एक्सेसमैन का जो कोटा है उसका लाभ नहीं लिया है, तो आप अपने बच्चों को उस कोटे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट कहीं पे लग गए हैं, आपका कोटा बचा हुआ है, तो आप उस कोटे के द्वारा अपने बच्चे या डॉटर को या अपने लड़के को उस कोटे को दे सकते हैं, या आप अवेल नहीं करना चाहते हैं तब भी आप उस कोटे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक बार आप ज़रूर इस नोटिफिकेशन को पढ़ लें, इसमें इसके बारे में डिटेल्स में बताया गया है। मैन टू बी अपलोडेड विद एप्लीकेशन फॉर्म मैंडेटरी, यानी कि जो आपको एप्लीकेशन के साथ जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, मैंडेटरी हैं, उनकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, जिसमें कि आपको एक्सेसमेंट से संबंधित सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, चाहे उनके फैमिली मेम्बर है उससे संबंधित आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और उसके अलावा एक्सेसमेंट के लिए यहाँ पर और भी मेंशन किया गया है, डिपेंडेंट ऑफ डिसेबल एक्सेसमैन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डिसेबल एक्सेसमैन के बच्चों को भी यहाँ पर लाभ दिया जाएगा, उनको भी रिजर्वेशन में लाभ दिया जाएगा, लेकिन शर्त है कि डिसेबल के कारण यानी कि कैटेगरी के कारण आप को फौज ने घर भेज दिया हो। यदि आपने कैटेगरी में रहते हुए कंप्लीट सर्विस की है तो आपको उसका लाभ नहीं दिया जाएगा। तो एक बार ज़रूर इस नोटिफिकेशन को पढ़ लें, जिसमें कि पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो अभी तक इतना ही, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल देगा। जय हिंद।